अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोनिया शेख। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं रिव्यू देने वाली हूँ वैसलीन इंटेंसिव केयर डीप रिस्टोर लोशन पर। सो अगर आपको ये रिव्यू वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अच्छा, मेरे पास जो इस लोशन की बोतल है वो है 200 ml वाली, और इसकी 100 ml वाली और 400 ml वाली बोटल्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। उसके अलावा इसके 3-4 मजीद वेरियंट्स भी मार्केट में आते हैं। तो मैंने ये 200 ml वाली बोतल जो है ये 320 रुपीज़ में एक लोकल शॉप से ख़रीदी थी, और ये लोशन जो है ये 2 से 3 साल तक काबिल इस्तेमाल है। इस लोशन पर ये क्लेम करते हैं कि ये क्लिनिकली प्रूवन है कि आपकी ड्राई स्किन को रिस्टोर करेगा, और ये नॉन ग्रीसी लोशन है। इसके बैक पर इसकी तमाम डिटेल्स मेंशन हैं, जिसमें इसको यूज़ करने का तरीका, इसके बेनिफिट्स और इंग्रेडिएंट्स भी शामिल हैं। लेकिन अगर इंग्रेडिएंट्स हम गौर से पढ़ें तो इसमें हमें पैराबन भी नज़र आते हैं। उसके अलावा अगर अंदर पड़ी प्रोडक्ट की बात करें तो इसका टेक्सचर जो है वो मीडियम लोशन लाइक टेक्सचर है इसका, और इसकी स्मेल लाइक ए बनाना मिल्क शेक। इट्स फनी, लेकिन जिस तरह से बनाना मिल्क शेक बनाएं तो उसकी स्मेल आती है ना, कुछ उस तरह से इसकी ना मीठी मीठी सी सेंट है। खैर, इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी काफ़ी है आपके पूरा फेस, नेक या हैंड्स एंड फीट कवर करने के लिए। और ये मॉइस्चराइजर मतलब लोशन जो है ये काफ़ी इजीली स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है, और हमारी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है। मतलब ये डीपली मॉइस्चराइजिंग लोशन है, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्किन पर बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता, और ये स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करने के साथ साथ हाइड्रेट भी कर देता है। स्किन को काफ़ी स्मूथ और सॉफ्ट कर देता है, और बिल्कुल भी स्टिकी या ग्रीसी फील नहीं होता। मज़ीद मैं ये कहूँगी कि इसका जो मॉइस्चराइजिंग रिजल्ट है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब 5 से 6 घंटे तो रहता ही है। उसके अलावा ये लोशन जो है ये सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। ड्राई, ऑयली कम्बिनेशन, नॉर्मल स्किन वाले सभी यूज़ कर सकते हैं इस लोशन को। लेकिन ऑयली और कम्बिनेशन स्किन वालों को मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप इस लोशन को गर्मियों में यूज़ करेंगे ना, तो आपकी स्किन पर ये ग्रीसी फील होगा। ठीक हो गया, तो गर्मी में आप इसको यूज़ ना करें, आप इसको विंटर्स में यूज़ कर लें। बाकी ड्राई, सेंसिटिव और नॉर्मल स्किन वाले सारा साल इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे तो ये सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, लेकिन मैं कहूँगी कि ये लोशन बेस्ट है फॉर ड्राई एंड सुपर ड्राई स्किन वालों के लिए। तो मेरी तरफ से वैसलीन का इंटेंसिव केयर डीप रिस्टोर लोशन जो है ये टोटली रिकमेंडेड है। एक दफ़ा आप बाय करके इसको ट्राई करें, आपको पसंद आएगा। सो अगर आपने इस लोशन के हवाले से मुझसे कुछ भी पूछना हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।